एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के साथ अपनी आवाज बुलंद कर चुके कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अब दिल्ली के फेरी वालों की चिंता सताने लगी है। आज सुबह सुबह दिल्ली के रघुवीर नगर में मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद राहुल सीधे रेहड़ी वालों के पास पहुंच गए। राहुल ने जहां उनकी समस्याएं सुनी, वहीं उन्हें इंसाफ दिलाने की बात भी कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए आज की सुबह भक्तिमय रही। सफेद कुर्ते पैजामे में लकथक राहुल गांधी पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर के जोगमाता मंदिर जा पहुंचे। सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने मंदिर में क्या मांगा ये तो पता नहीं, लेकिन वो काफी देर तक वहां मौजूद रहे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के साथ पूजा की, प्रसाद लिया और फिर बाहर उस भीड़ के सामने लौटे जो उनका इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी के लिए अब मौका था रघुवीर नगर में रेहड़ी पटरी वालों से मिलने जुलने का। इस इलाके में करीब 85% लोग गुजराती हैं और राहुल ने इस इलाके की परेशानियों का सवाल उठाकर सरकार को सीधे घेरा। रेहड़ी पटरी वाले लोगों का धंधा गुजराती कपड़ों के बूते चलता है और राहुल ने यहीं अपने आने की वजह का खुलासा किया। हाँ, पहले इनके पास शेड हुआ करते थे, वो शेड छीन लिए गए हैं, तो इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। सुबह में राहुल गांधी ने पूजा पाठ की और शाम में मौका इफ्तार का। ये अलग बात है कि रेहड़ी पटरी वालों के बहाने कांग्रेस ने उन वादों का बखान किया जो इन दुकानदारों को लाइसेंस देता हो। राहुल ने जानना चाहा कि आखिर ये सरकार गरीबों की दुश्मन क्यों बन बैठी है, क्यों इन लोगों के हक पर डाका डाला जा रहा है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको शहर में जगह नहीं दी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आया। राहुल ने पहले धर्म के आगे माथा टेका और फिर सियासी कर्म की बारी आई। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है कि पिछले 15 साल का विकास आखिर दिखता क्यों नहीं। राहुल चौंकाने वाले दौरों में शायद यकीन रखते हैं, लेकिन सरकार पर उनका वार एकदम सधा और नपा तुला होता है। आज तक ब्यूरो।